दोस्तों वेलकम है आप सभी का हमारे इस छोटे से YouTube चैनल फैक्ट म्यूलिश पर। आज हम बताएंगे स्विट्जरलैंड के अमेजिंग फैक्ट्स। स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का मौसम इतना सुहावना और मनमोहक होता है कि हर कोई उसका दीवाना बन जाता है। स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप में बसा एक छोटा सा देश है और यह दुनिया के सबसे सुंदर जगहों में से एक माना जाता है। स्विट्जरलैंड का क्षेत्रफल 41,285 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर इस देश की राजधानी की बात करी जाए तो यहाँ की राजधानी बर्न शहर है। इस देश में करेंसी के रूप में स्विस फ्रांस चलता है जो कि भारतीय रुपए में लगभग 81 रुपए के बराबर आता है। इस देश में एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है बल्कि यहाँ 4 नेशनल लैंग्वेज बोली जाती हैं, जिनका नाम है जर्मन, फ्रेंच, रोमन और इटालियन। इस देश में चारों तरफ से झील और पहाड़ मौजूद हैं। इस देश में हर वक्त मौसम ठंडा ही रहता है। स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी सिटी ज़ोरिक है। स्विट्जरलैंड की आबादी की बात करी जाए तो यहाँ पर 85,50,000 लोग रहते हैं। आप सबने जिंदगी में कोई ना कोई चीज किराए पर ली होगी, लेकिन इस देश में गाय भी किराए पर मिलती है। भारत में हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति 26 मई साल 2006 को स्विट्जरलैंड गए, तब से इस देश में इस दिन को साइंस दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया के लगभग 51% शादीशुदा लोग स्विट्जरलैंड हनीमून मनाने जाते हैं। दुनिया भर के अमीर लोगों के काले धन इसी देश के स्विस बैंक के खातों में जमा है। इस देश में बैंकों की संख्या बहुत अधिक है और यहाँ की जीडीपी में सबसे ज्यादा बैंकों से ही इनकम करी जाती है। रोलेक्स कंपनी द्वारा सबसे पहले वाटरप्रूफ घड़ी का आविष्कार इसी देश में साल 1927 में किया गया था। स्विट्जरलैंड में टीचिंग वह पेशा है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है और एक आंकड़े के अनुसार एक टीचर स्विट्जरलैंड में लगभग हर साल $68,000 यानी लगभग 50 लाख रुपए कमा लेता है। इस देश में टिम वार्नर ली ने 1889 में www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। इस देश की लड़कियां काफी ज्यादा सुंदर होने के साथ साथ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी होती हैं। इस देश में पुरुष 32 वर्ष में और महिला 30 वर्ष में शादी करती हैं और इस देश के लोग अपने पार्टनर बदलते रहते हैं। साक्षरता दर 88% है। फ्रांस एकमात्र देश है जिसने स्विट्जरलैंड पर कब्जा किया था। इस देश में वैश्यवृत्ति कानूनी रूप से मान्य है और इस काम में लगभग 30,000 से भी ज्यादा लड़कियां और महिलाएं अपनी मर्जी से जुड़ी हुई हैं। स्विट्जरलैंड की लगभग 65% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड का अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारी हिम्मत काफ़ी बढ़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।